सबसे ज्यादा पदकों के साथ, सबसे ज्यादा गोल्ड मेडल के साथ। गनशॉट के साथ रेस प्रारंभ हुई, नजरें रहेंगी, तीनों ही एथलीट हैं, तीन ही एथलीट हैं तो निगाहें सब पर रखनी होंगी। 800 मीटर लंबी दूरी तय करनी है, दो लैप पूरे करने हैं। फर्स्ट बैंड के बाद थोड़ी सी स्थिति क्लियर हुआ करती है, अपनी अपनी लाइन छोड़कर खिलाड़ी एक साथ दौड़ा करते हैं, दौड़ सकते हैं। फिलहाल आनंद उमोन आगे चलते हुए, उनके पीछे हैं इरफान। नेहरू ग्राम भारती यूनिवर्सिटी से। तो अब तीनों खिलाड़ी एक साथ, ये तय है कि पदक तीनों को ही मिलेंगे, लेकिन रंग कौन सा होगा इसके लिए आपको मशक्कत करनी होगी, प्रदर्शन बेहतर करना होगा, राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपने आप को साबित करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ देना होता है। पहला लैप पूरा हुआ, बेल की आवाज़ ये संकेत किया करती है कि आखिरी लैप आपका बचा है। थोड़ी सी तेज़ी आपको दिखाई देगी। आनंद उमोन अभी भी आगे चल रहे हैं, ठीक पीछे उनके इरफान हैं, और इरफान के पीछे हैं ओमकार, ओमकार सदानंद। क्या तब्दीली आएगी धीरे धीरे, लगभग यहाँ से 400 मीटर का फासला बाकी है। गति में कोई बहुत ज्यादा अंतर अभी दिखा नहीं है, लेकिन आगे निकलने की कोशिश करते हुए इरफान ओवरटेक किया, नहीं अभी बाकी है कहानी, आखिरी लगभग 50-60 मीटर का इरफान ने ओवरटेक करने की कोशिश की, लेकिन पीछे से निकल के आए हैं ओमकार। इरफान आगे निकले, ओमकार दूसरे स्थान पर रहे, तीसरे स्थान पर वो खिलाड़ी रहा जो शुरुआत से लीड कर रहा था। तो ये अंतर आता है, आप अपनी क्षमता को, अपनी सामर्थ्य को बचा कर रखेंगे, मिडिल डिस्टेंस की जो जंग हुआ करती है वहां पर आपका स्टेमिना दरअसल परीक्षा पाता है, और इस खिलाड़ी ने वो हासिल करके दिखाया। 295 इरफान लगातार पीछे रहे, एक